मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव का चुनाव अभियान यहां लगातार जोर पकड़ रहा है। हर नए दिन के साथ उनका कैंपेन और भी नया और तरोताजा नजर आता है। इसके साथ ही डिंपल यादव भी हर रोज नए अंदाज में जनता के बीच पहुंचती नजर आती हैं। गुरुवार को डिंपल यादव कार से उतरकर सबसे पहले अपने समर्थकों और आम लोगों के बीच पहुंची, जहां उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान डिंपल यादव के साथ फोटो खिंचाने की होड़ भी उनके समर्थकों में दिखी। इसके बाद डिंपल यादव चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही निकल पड़ी। डिंपल के साथ हर जगह उनके समर्थकों और चाहने वालों की भीड़ नजर आ रही है। प्रचार के दौरान वे हर वर्ग के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और आम लोगों से मिल रही है। प्रचार अभियान के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच ही डिंपल यादव ने डायनामाइट न्यूज समेत मीडिया से बातचीत का भी समय निकाला और सियासी समीकरणों समेत कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। मैं समझती हूं, उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार थी तो इतने काम समाजवादी पार्टी ने कराए कि उन्हीं कामों को आज 7 साल और हो गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी एक नया काम नहीं लेके आए हैं। जहाँ हमारे एक्सप्रेस वे में हवाई जहाज उतर रहे हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में, और जो इनका बनाया हुआ जो एक्सप्रेस वे था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आप अगर उसमें हवाई जहाज उतार के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत में डिंपल यादव ने सबसे पहले परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा को केवल रीजनल पार्टीज हैं उसमें परिवारवाद नजर आ रहा है, भाजपा को अपना परिवारवाद नजर नहीं आता है, तब उनकी आंखों में पट्टी लग जाती है। और अगर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनका सांसद कैसा हो, लोग वोट करते हैं, डेमोक्रेसी है ये, तो जिसको लोग चुनते हैं वही सांसद बनता है, मेरा मानना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सीटों के बदलाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सब कुछ हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि सपा और इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीते। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह, महिलाओं के मुद्दों, इंडिया गठबंधन की सरकार, केजरीवाल की गिरफ्तारी और सपा के घोषणा पत्र संबंधी सवालों के भी सीधे जवाब दिए। देखिए क्या कुछ बोली डिंपल यादव। मैं समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही हैं और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। ये अच्छी बात है क्योंकि भाजपा का कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था और अगर जयवीर सिंह जी आए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उन्नाव का इंसिडेंस हो, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंस हो, और रोज NCRB के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन, ऐसे बाहर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को बोल रही है। हमने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, तो इन सब बातों को हमें देखना चाहिए कि देश में आखिरकार देश किस दिशा में जा रहा है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैनपुरी से डायनामाइट न्यूज संवाददाता दीपक कटारिया के साथ चुनाव डेस्क, नई दिल्ली।